आज का ये वीडियो स्पेशल आप लोगों की रिक्वेस्ट पर लेकर आए हैं। देखकर अच्छा लगा कि आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम घरेलू नुस्खों का प्रयोग करके अपने पुरुषार्थ बल को बढ़ा सकते हैं, और इसी के साथ ये नुस्खों का प्रयोग करके आप अपने शरीर की मजबूती और अपने वीर्य को ताकतवान बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं प्रवीण ग्रेवाल आज आपके सामने कुछ बड़े ही सिंपल से घरेलू नुस्खे लेकर आया हूँ। ये घरेलू नुस्खे आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, तो जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखें। तो आइए अब बात करते हैं ये कौन से नुस्खे हैं और इन नुस्खों का प्रयोग कैसे करना है जिससे आप अपने शरीर की ताकत को बढ़ा सकते हैं। पुरुषार्थ बल को बढ़ाने के लिए आप इमली के बीजों को भिगो कर रखें। 3 दिन तक इन्हें भिगे रहने दें। उसके बाद आप इन्हें निकाल कर इनका छिलका उतार लें, और जितने इमली के बीज हैं उतनी ही मात्रा में आप इसके अंदर गुड़ मिलाएं, और इसकी छोटी छोटी 6 ग्राम की एक गोली, इसी तरह आप 6-6 ग्राम की गोलियां तैयार करें। सुबह शाम एक एक गोली दूध के साथ इसका सेवन करें। लगातार इसका सेवन करने से आपका वीर्य बढ़ेगा और आपका पुरुषार्थ भी बढ़ेगा। तो आप एक बार इसका सेवन जरूर करें। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए आप एक बार इस नुस्खे का प्रयोग जरूर करें। इस नुस्खे को करने के लिए आप सबसे पहले पान में खाया जाने वाला चूना बिल्कुल ही थोड़ी मात्रा में लें, यानी कि 0.2 ग्राम, जो कि बिल्कुल ही थोड़ी सी मात्रा में है, चुटकी भर लें। अब इसे चाशनी में डालकर इसे चाटें, और ऊपर से आप केसर और इलायची डाला हुआ दूध पिए। लगातार इसका सेवन करने से आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, आपका वीर्य ताकतवान होगा, और इसी के साथ आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी और आपको अच्छी भूख भी लगेगी। वीर्य की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आप एक बार इस नुस्खे का प्रयोग जरूर करें। इस नुस्खे को करने के लिए आप थोड़ी सी मात्रा में खसखस, भुने हुए चने, 25 ग्राम शक्कर, 50 ग्राम नारियल की गिरी, 90 ग्राम सब आपको पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद आप इन सब को अलग अलग पीस कर मिक्स करें, और आप 50 से 60 ग्राम की मात्रा में एक लड्डू तैयार करें। रोजाना सुबह के समय खाली पेट एक लड्डू का सेवन करें और ऊपर से दूध पिएं। लगातार 7 दिनों तक इसका सेवन करने से आपको फायदा होगा और आपका वीर्य तेजी से बढ़ने लगेगा और आपका वीर्य ताकतवान भी बनेगा। तो आप एक बार इसका प्रयोग जरूर करें। शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए आप अश्वगंधा का सेवन करें दूध के साथ। दोस्तों, अश्वगंधा का सेवन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पंसारी की दुकान से अश्वगंधा लेकर आएं, घर पर ही उसे कूट कर पीस कर उसका पाउडर तैयार करें, और आप दूध के साथ इसका सेवन करें। इसका सेवन करने से आपका शारीरिक बल बढ़ता है। ध्यान है, आप इसका प्रयोग 20 से 25 दिनों तक करें। उसके बाद आप 10 से 15 दिन तक का गैप लें और फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप अपने शरीर की फुर्ती बढ़ाना चाहते हैं तो आप चिलगोजे का सेवन करें। चिलगोजा खाने से आपके शरीर फुर्तीला बनेगा। तो दोस्तों, ये सभी नुस्खे आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। आप इन नुस्खों में से किसी भी नुस्खे को आजमा सकते हैं, सभी के सभी आपके लिए लाभदायक रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये सभी नुस्खे आजमाए हुए वह डॉक्टर जगदीश ग्रेवाल द्वारा सुझाए गए हैं, तो आप भी एक बार आप इन नुस्खों का प्रयोग जरूर करें। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए माय हीरो चैनल।